वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि शैडोलैंड की कोई भी स्टेज खेलने से पहले आपको शैडोलैंड के बारे में जानना पड़ेगा, उसमें किस टाइप के कैरेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेज में किस टाइप के यूज़ करने पड़ सकते हैं, उन सबके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रोसेसर में जाना है आपको। ये रहा प्रोसेसर। प्रोसेसर का लेवल कम से कम 11 से लेके 13 तक या 13 से लेके 14 तक होना चाहिए, क्योंकि तभी अच्छे कार्ड मिलेंगे, अदरवाइज़ अच्छे कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर में उसमें जाके दिखा देता हूँ। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला आइटम जो है अपग्रेड आइटम, यहाँ पर आपका जो कार्ड वाला जो ऑप्शन है ये ओपन होना चाहिए। ये जो इस टाइप का जो अपग्रेड आइटम है जिसमें कार्ड मिलेगा आपको पोटेंशियल प्रोडक्ट, ये जो ऑप्शन है ये ओपन होना चाहिए कार्ड वाला। एक बार ये कार्ड वाला ओपन हो गया तो आपको इजीली यहाँ से जो आपको कार्ड चाहिए जिस टाइप का चाहिए वो कार्ड मिलने के चांस रहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर 10 times करके दिखा सकता हूँ या 5 times, मैं 5 times करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिविल वॉर का एक कार्ड मिला मुझे #4 वाला। वो कार्ड बहुत ही रेयर है और ये कार्ड में ऑल अटैक है। तो इसका कार्ड को लॉक करके आप लोग इसको अपग्रेड करो, 6 star का करो और अपने इन्वेंटरी में सेट करो। बहुत से पीपल्स के पास, प्लेयर्स के पास ये कार्ड नहीं है। मैंने ID चेकिंग की है कितनी सारी, उसके अंदर मैंने देखा काफ़ी लोगों के पास ये कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो ये कार्ड यहाँ से इस तरीके से जैसे मैंने अभी किया है सेम वही तरीके से आप लोग भी हासिल कर सकते हो। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रोसेसर का जो लेवल है वो आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, यानी 10 से ज़्यादा का चाहिए, यानी 10, 11, 12, 13 ऐसा चाहिए तो ही काम करेगा, अदरवाइज़ कार्ड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपग्रेड आइटम में जाना है। अपग्रेड आइटम में जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉमिक कार्ड में जाना है। कॉमिक कार्ड में यहाँ पे आपको ट्राई करना है और एक चीज़ और ध्यान में रखना, यहाँ पर आपका मटेरियल, गियर किट और फोनिक्स फीडर, ये सब के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितना लग रहा है, ये सब का भी ध्यान रख के आपको चांस करना है। उसी की मदद से मैंने अपने कार्ड जो है कलेक्शन कम्प्लीट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरा कार्ड कलेक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसी की मदद से मैंने इतने सारे कार्ड कलेक्शन कंप्लीट किया, सोच लो कितना फ़ायदे का ये। अब ट्राई करो और याद रहे आपको ये नॉर्मल तरीके से करना है, ऐसा नहीं करना है कि अपडेट आ रहा है और आपके पास में मटेरियल ना हो, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के जब आपके पास मटेरियल है तभी आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ वेट करना है। बाकी डिमेंशन ड्रिफ्ट है वहाँ से भी कार्ड मिल रहे हैं तो उसको भी अपग्रेड करके एक कार्ड को आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। एक कार्ड को अपग्रेड करने के लिए 5 कार्ड लगते हैं, 5 कार्ड को जोड़ के एक कार्ड अपग्रेड होता है। वो ऐसे करते 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 आपको 6 star का कार्ड बनाना है अलग अलग तरीके से। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो क्रिटिकल डैमेज का है। यहाँ पर जितने भी एंटमैन के कार्ड दिख रहे हैं इन सबको मैं हासिल करूँगा। 2 कार्ड मेरे पास अवेलेबल है लास्ट के, एंटमैन #1 और एवेंजर्स #71, ये 2 कार्ड मेरे पास है। और अभी एक बचा #5 वाला और एंटमैन का #1, ये मिल जाएगा मुझे। ये 4 कार्ड को मैं 6 star करके कार्ड कलेक्शन कम्प्लीट करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ से आप लोग पहले कार्ड ले लो, उसके बाद में शैडोलैंड की प्रैक्टिस करो। उसके बाद में आप दूसरा प्रोसेस बता दो आपका अलायंस, किसी भी अलायंस में आप लोग ज्वाइन हो वहाँ से अपना किक मत करो, लीव मत करो, उस अलायंस को जुड़े रहो उस अलायंस से, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, 10 हो, 12 हो, 13 हो या 14 हो, कोई भी हो जुड़े रहो, छोड़ना नहीं, क्योंकि अलायंस मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने। तो उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर अपग्रेड, कैरेक्टर को आपने किस तरीके से बनाया हुआ है कि जो शैडोलैंड के स्टेजेस में परफॉर्म करेगा। एग्जांपल जैसे कि किसी कैरेक्टर में डैमेज ब्लॉक लगा है, किसी कैरेक्टर में इनविजिबल रखा हुआ है, किसी कैरेक्टर में कुछ अलग ही है, किसी कैरेक्टर में कुछ और ही है, तो उस जो भी कैरेक्टर है जिस स्टेज में आप लोग यूज़ करने वाले हो उस तरीके से उसको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको मैं समझा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़ किया था शील्क का जो
अब उसको टीएल टू करना पड़ा, टीएल टू होने की वजह से ही वो कर पाई, अदरवाइज वो करना मुश्किल था। और जो मेरे कार्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े और पावरफुल है, उस वजह से मैं लेवल वन जो है वो कर पाया इजीली शियर से। सेकंड स्टेज है आयरन, फर्स्ट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर ये होता है कि नहीं। आपके पास में देखो अभी आपके पास में कौन से कैरेक्टर, किस कैरेक्टर से आप हराने वाले हो ये भी डिपेंडिंग करता है, और कौन से स्टेज में आपको मिलेगी, कौन से स्टेज में कौन सा कैरेक्टर यूज़ करना है ये भी आपके ऊपर डिपेंडिंग है, आपके कार्ड के, आपके अलायंस के और आपके कैरेक्टर के बूट पे डिपेंडिंग करता है। आपका कैरेक्टर किस टाइप का है, कैसे किस रैंक का है और किस तरीके से आपने उसको ताकत दी हुई है, अपग्रेड किया हुआ है, वो सब कुछ डिपेंडिंग करता है, तभी स्टेज क्लियर होती है। भले 3 मिनट लगेगा चलेगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लास्ट टाइप कैटेगरी हैव अ एडवांटेज ऑन दिस स्टेज। इस स्टेज में हमें इस विलन्स को हराने के लिए, जिसमें वेनम है, डॉक्टर ऑक्टोपस है, उसके बाद रेड स्कल है, और यहाँ पे इसका क्या नाम है, क्रॉसबोन शायद, तो इस कैरेक्टर को हराने के लिए, इन स्टेज को क्लियर करने के लिए हमें ब्लास्ट टाइप कैरेक्टर लगेंगे। अब एक कैरेक्टर भी से काम से हो सकता है और 3 कैरेक्टर भी से कैरेक्टर से भी हो सकता है, बस आपका डिपेंडिंग करता है कि आपका पावर लेवल क्या ले, मतलब क्या है। यहाँ पर ब्लास्ट टाइप मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से जो जो मुझे लगता है वो कैरेक्टर मुझे चूज़ करना है और इस स्टेज को क्लियर करना है। मैं यहाँ पर वीकेंड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन मुझे इनका इस्तेमाल नहीं करना है अभी, इनके लिए मुझे आगे वाली स्टेज संभाल के रखना है। स्टार्टिंग में ऐसे कैरेक्टर यूज़ करो आपके कार्ड के अवेयरनेस के बेसिस पे कि वो क्लियर कर सके। ऐसा नहीं करना है कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज, शेरोन या डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह जैसे पावरफुल कैरेक्टर है उनको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, उनको आखिरी 20 के बाद के जो स्टेजेस है वहाँ उनके लिए बचा के रखना है, स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करना है। और रही बात फुल क्लियर करने की, मैं अभी फुल क्लियर करना ना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि मोबाइल हीटिंग करेगा और बैटरी बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि दिखा दूँ बाकी की जो फाइट्स है, जो जिस तरीके से मैं स्टेज क्लियर किया है वो सब मैं आपको विदाउट स्पीक वाली वीडियो में दिखा दूँ। यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि जिस तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ टीम लूँगा जो कि यहाँ पर तोड़फोड़ करेंगे। यहाँ पे 3 कैरेक्टर इसलिए लिया क्योंकि मेरे ये जो 3 कैरेक्टर हैं इनमें दम नहीं है स्टेज क्लियर करने का, इसलिए तीनों को मैंने साथ में लिया, और 3 साथ में रहेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास में टाइम हो तभी करें, टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए। मेरे पास भी टाइम नहीं था तो मैं शैडो रंग नहीं खेल रहा था, को अभी नहीं खेल रहा मैं, टाइम नहीं है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल रहा हूँ तो खेल लेता हूँ। तीनों कैरेक्टर भी मारे नहीं गए और स्टेज क्लियर हो गई। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो स्टेजेस है यहाँ पे स्टेज फ्लोर 3 है, लेवल 3 है, वैसे मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर
पिच में रोनन है, यहाँ पर कैप्टन है, और सबसे फर्स्ट इसमें है स्पाइडरमैन और बाकी वहाँ पर जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। एंटमैन का हो गया बाकी हो गया, ये सब वहाँ पर है। तो जो आपके पास में कैरेक्टर अवेलेबल है, जैसे एग्जांपल मेरे पास कॉम्बैट थोड़े से लिमिट में है, तो मैं कॉम्बैट कैरेक्टर का इस्तेमाल करके मैं इन स्टेजेस को क्लियर कर सकता हूँ सिंपल। अब यहाँ पर मैंने कॉम्बैट चूज़ किया, यहाँ पर चाहूँ तो मैं आरएम फर्स्ट का इस्तेमाल करके स्टेजेस को क्लियर कर सकता हूँ, या फिर और बहुत से मेरे पास कैरेक्टर है जैसे मून नाइट हो गया, सैंडमैन हो गया, उसके बाद में लक केज हो गया, इसका इस्तेमाल थोड़ा कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद में और एजेंट वेनम हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपके पास में ये कैरेक्टर नहीं होंगे। तो जो भी आपके पास में बेसिक कैरेक्टर हो, स्टोरी मिशन वाले कैरेक्टर हो, उनका इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, स्पेशल मिशन वाले। उसके बाद में वो तरह तरह के कैरेक्टर है, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा ठीक तरीके से, तब जाके ये स्टेजेस क्लियर होंगी। ये कोलोसस है यहाँ पर, ये कैरेक्टर काम आएगा। उसके बाद में ये ब्राइनो है, उसके बाद में ये द थिंग, ये भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद में डॉक्टर ऑक्टोपस, ये भी काफ़ी अच्छा, अगर अपग्रेड करें तो ये भी थोड़ा बहुत स्टेज क्लियर करने में मदद कर सकता है। और मिनर्वा भी कर सकती है हाई स्टेजेस, लेकिन अभी मैंने इसको अपग्रेड नहीं किया। और जहाँ तक मेरा रूल है, मैं कोई भी आयरे गहरे नट्टू गहरे को कैरेक्टर को ऐसे ही अपग्रेड नहीं करता हूँ, ना बिल्कुल भी नहीं। पहले टेस्टिंग करता हूँ, काफ़ी दिनों तक रुकता हूँ, काफ़ी लोग प्लेयर्स को मैं देखता हूँ कि वो किसे उसका कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद में कहाँ जाके मैं आराम से अपग्रेड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग स्टेज क्लियर कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने कैरेक्टर के अपग्रेड पे। उरू कैसे लगाना है, आइसोट कैसे लगाना है, ऑब्लिस्क कैसे लगाना है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी आप ठीक तरीके से स्टेज क्लियर कर पाओगे 3 मिनट के अंदर, जो भी आपको टाइम दिया होगा उसके अंदर। थोड़ा मोबाइल लैग कर रहा है, हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे शायद अभी वीडियो रोक देना चाहिए, और इतना ही काफ़ी हमें खासा समझाने के लिए। तो प्लीज़ दैट इज सेवन, थैंक यू।
बाकी की चीज़ आपके ऊपर डिपेंडिंग करता है कि आप किस तरीके से करते हो। तो चलो बाय।